रायबरेली जिले के बछरामा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मामला प्रकाश में आया, जहां एक नई दिशा और समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए शिक्षा देकर छात्र और छात्राओं को आगे बढ़ाने वाला शिक्षक ही एक नाबालिग छात्रा को बैग और स्वेटर दिलाने के बहाने घर बुलाकर घिनौनी हरकत की। आपको बता दें, मामला रायबरेली जनपद के बछरामा थाना क्षेत्र का है, जहां परिजन देर शाम अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बछरामा थाने पहुंचे, जिसके बाद घटना को सुनकर सबके होश उड़ गए। पीड़ित नाबालिग ने बताया कि शिक्षक ने बहाने से उसे घर बुलाया, जहां बैग और स्वेटर देने का लालच दिया था, जिसके बाद नाबालिग अपने भाई के साथ घर गई थी, जहां घर में नाबालिग के शरीर के साथ अश्लील हरकत की। यही नहीं, छात्रा के मुताबिक शिक्षक उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। गनीमत रही कि छात्रा उस हैवान शिक्षक के बहकावे में नहीं आई। छात्रा के मुताबिक शिक्षक उसके छोटे भाई को घर भेजने की सलाह दे रहा था, लेकिन वह नहीं गया। इसके बाद हैवानियत पर उतरा शिक्षक उसके साथ अश्लील हरकत करता रहा। शायद छात्र का छोटा भाई शिक्षक के बहकावे में आ जाता तो नाबालिग छात्रा के साथ शिक्षक किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता था। जिस तरह से नाबालिग छात्रा ने शिक्षक पर आरोप लगाया है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षक किसी भी नतीजे पर पहुंच सकता था। घर पहुंची छात्रा ने सारी बातें परिजनों को बताया। शिक्षक की हैवानियत को सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शिक्षा के खिलाफ 354 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं थानाध्यक्ष बछरामा का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जांच की जा रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक शिक्षा की गिरफ्तारी नहीं की गई है। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या हुआ बताओ, आपके साथ बताइए कैसे क्या हुआ? वो हमको बैग दिए, बैग और जूता स्वेटर दिए खातिर बोला ही ना, तो फिर हम अपने छोटे भाई साथ गए ना, तो फिर तो फिर दिन बैग हमसे कहीं कि अपने भाई के ना तो कहीं दुखी जाए पाँच छः दिन कहीं कि जाए, तो फिर तो हम जब कहीं कि जाए तो फिर तो फिर पंचे नहीं गए, तो फिर इधर एक किनार कोने करके फिर कहें कि पापा के हमें चाबी की भी पता चले कि तो हम कहें मम्मी देखे ना, तो फिर पापा से इन्हें बताए नहीं, तो कहें अच्छा आपको इस बताया ना, और तो अच्छा लग कि नहीं। कौन है उनका नाम क्या बेटा? धर्मपाल। कहाँ पढ़ाते हैं? जून सहंगो। सरकारी मास्टर हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? तमनपुर। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ मास्टर धर्मपाल बहला पे सलाख बुला लेंगे और घुमा लेंगे, कहीं चलो तुमका टाफी दे, बैग दे, स्वेटर दे, और कहीं के घर पर बुला लेंगे, अपने हुआ हाथा रहा एक वही हाथ बुला लेंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके साथ छेड़खानी करी। उसके बाद छेड़खानी करे के बाद वो बेटी हमारी रोवत ही भागत घर आई। हाँ। अपनी माँ से बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। क्या हुआ? जैसे जैसे हमें बेटी आंगन का छुई और किस करी, यही सारी घटनाएं उसके साथ किया, तो वो बदहवास होते हुए घर वापस आई तो अपनी माँ से बताया। कौन है वो? कौन है? मास्टर धर्मपाल। कहाँ पढ़ाते हैं भैया? वो गांव में ही शिक्षक है। कौन से स्कूल में? शायद प्राइमरी पाठशाला। किस पद पे हैं? हेडमास्टर। हेडमास्टर आपके गांव के रहने वाले? हाँ, हमारे गांव के रहने वाले। आप कहाँ पे रहते हैं भैया? हम तमनपुर में रहते हैं। छरावा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के साथ एक शिक्षक ने अश्लील हरकत की, क्या मामला है सर? थाना बछरावा के तमनपुर ग्राम में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इसमें कि चॉकलेट वगैरह देने के प्रलोभन से एक बच्ची को बुलाकर उसके साथ उसकी हरकत करने का प्रयास किया गया है। इस पर विवेचना की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई?
विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।